नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एमपी स्पेशल के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे ऊर्जा के बारे में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं इस लेक्चर में परिवहन के बारे में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं आप सब। सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन। मध्य प्रदेश यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है। मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों की लंबाई कच्ची की तुलना में अधिक है। राज्य में सड़क का घनत्व 19 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर, राष्ट्रीय घनत्व है 83 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। राज्य की जीडीपी में सड़क परिवहन क्षेत्र की भागीदारी है वर्ष 2011-12 के अनुसार 3.16% या 3.16% रही। वहीं रेलवे की है 1.9%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क लंबाई ग्रामीण मार्ग के रूप में है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का 15वां स्थान है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी, ये याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, जिसे बंद कर दिया गया अब है। और अब निजी बस प्रबंधकों द्वारा अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य के कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राज्य से। शिवपुर में सड़कों का घनत्व मात्र 10.75 किलोमीटर है। आगरा ग्वालियर इंदौर मुंबई NH3 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH3। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1962 में। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार कुल सड़क है 1,06,497 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 4,709 किलोमीटर। राजकीय या प्रांतीय मार्ग हैं 10,501 किलोमीटर। जिला राजमार्ग हैं 19,574 किलोमीटर। ग्रामीण मार्ग हैं 23,639 किलोमीटर। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 50,770 किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है सड़कों का? सतना में। और न्यूनतम शिवपुर में, सतना और शिवपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 4,709 किलोमीटर लंबाई के 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से दो राष्ट्रीय राजमार्ग नए हैं। राज्य में NH3 आगरा से मुंबई सबसे लंबा 717 किलोमीटर, NH76 76, उदयपुर बांदा सबसे छोटा है। तो याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी में NH3 सबसे बड़ा है, आगरा से मुंबई 717 किलोमीटर, और NH76 सबसे छोटा है, उदयपुर से बांदा। राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे हैं NH3, NH7 और NH12, NH12। राज्य में छोटी लंबाई वाली 3 नेशनल हाईवे हैं NH76, NH27, NH25। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग चिल्पी से बड़ोदरा 755.3 किलोमीटर है। राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग है झाबुआ जिले में थांदला से के कुशलगढ़ में 11.8 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई। तो सबसे पहले बात करते हैं NH3 की। NH3 हमारा गुजरता है आगरा मुंबई वाया इंदौर से। इसकी लंबाई है 717 किलोमीटर। फिर है हमारा NH7। कौन सा? NH7। ये वाराणसी से जबलपुर नागपुर कन्याकुमारी। इसकी लंबाई कितनी है? 511 मध्य प्रदेश में। NH12
जयपुर, जबलपुर वाया कोटा, राजगढ़, भोपाल जाता है। भोपाल से इसकी लंबाई है 481। फिर है NH-12A जबलपुर शिमगा से, इसकी लंबाई है 191 किलोमीटर। NH-25 ये लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी, इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। MP में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। NH-26 लखनऊ, लखना, दौन वाया सागर, तो इसकी लंबाई है 273 किलोमीटर। MP में NH-27 इलाहाबाद, मझगवां, इसकी लंबाई है 52 किलोमीटर। NH-59 अहमदाबाद, झाबुआ, धार, घाटा, बिल्लौद, इंदौर, इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। NH-59A इंदौर, बैतूल, इसकी लंबाई है 277 किलोमीटर। NH-69 अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल, मुलताई, नागपुर, इसकी लंबाई है 256.4 किलोमीटर। NH-75 ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सांची, रांची, इसकी लंबाई है 308 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में NH-75A रीवा, रेणुकूट, डाल्टनगंज, रांची, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। NH-76 पिंडवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, शिवपुरी, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, इलाहाबाद, इसकी लंबाई है 43 किलोमीटर। NH-78 कटनी, शहडोल, अंबिकापुर, जसपुर, गुमला, इसकी लंबाई है 245 किलोमीटर। फिर है NH-86 एक कानपुर, छतरपुर, सागर, भोपाल, इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में 187। NH-86A ये भोपाल विदिशा सागर, इसकी लंबाई है 186 किलोमीटर। NH-92 भोगाँव से ग्वालियर, इसकी है लंबाई मध्य प्रदेश में 108 किलोमीटर। 12-12AX जबलपुर झांसी तक, इसकी 337 है इसकी लंबाई। 26-AX सागर बीना, इसकी लंबाई 75 किलोमीटर, इसकी लंबाई, ठीक। और 25-AX भी गुजरता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से सन दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में 500 या इससे अधिक, या आदिवासी क्षेत्र में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है। योजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक ADB से ऋण समझौता ली गई है। यह राशि मध्य प्रदेश शासन को भारत से अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है। योजना अंतर्गत लगभग 1100 करोड़ रुपए से कुल 5500 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिए, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से चालू हुई? दिसंबर 2000 से, ठीक। अब बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। यहाँ देश के रेल मार्ग की कुल लंबाई का 10% भाग है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण हुआ, जो बम्बई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था। रेलवे जोन की बात करें तो मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन है जबलपुर में, जो 1998 में स्थापित हुआ। यह पश्चिम मध्य रेलवे का के अंतर्गत आता है। कौन सा है रेलवे जोन? जबलपुर में है, ठीक है। 1998 में स्थापित हुआ पश्चिम मध्य रेलवे। रेलवे जंक्शन की बात करें तो भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम, उज्जैन प्रमुख रेलवे जंक्शन है। इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन है, याद रखिए। रेलवे मुख्यालय की बात करें, प्रधानमंत्री
देश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। याद रखिए, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। राज्य में भोपाल, रतलाम और उज्जैन क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय है इसके। रेल लाइन की बात करें तो मध्य प्रदेश के रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है। यह 3 रेल मार्गों पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे की शाखा व उपशाखा हैं। राज्य में ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज तीनों तरह की रेलवे हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे की सेवाएं मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। प्रदेश में सबसे पहला रेल मार्ग 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश की रेलवे लाइन 5 जोन में आती है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। आगे बात करते हैं, भोपाल एक्सप्रेस ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। भोपाल एक्सप्रेस ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। भोपाल एक्सप्रेस ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत देश की पहली ट्रेन है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। रेवांचल एक्सप्रेस ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 26 अप्रैल 2013 में टीकमगढ़ जिले को भी रेल से जोड़ दिया गया था। इससे पहले रेलवे लाइन नहीं थी, यहाँ रेलवे की सुविधा नहीं थी टीकमगढ़ में, लेकिन 2013 से टीकमगढ़ रेल जिले को भी रेल से जोड़ दिया गया रेलवे से। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में रेलवे प्रतिष्ठानों की बात करें, कोच रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? भोपाल निषादपुरा में। रेलवे स्ट्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? सतना में। इलेक्ट्रिक लोको शेड कटनी इटारसी में है। डीजल लोको शेड कटनी इटारसी में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल में। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना वनखेड़ी बुधनी में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय जबलपुर में है। चलिए अब बात करते हैं वायु सेवा के बारे में। मध्य प्रदेश के 5 नगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो। कौन से? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में इंडियन एयरलाइन एवं वायुदूत को नियमित सेवाओं से जुड़े हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ खजुराहो भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। 13 अप्रैल 2012 को इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में का उद्घाटन हुआ है। भारतीय सेना की हवाई पट्टियाँ ग्वालियर वायुसेना, नीमच, गैरीसन इंजीनियरिंग मऊ में। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियाँ कहाँ हैं? टेकनपुर ग्वालियर, सिसुब और शिवपुरी भारत तिब्बत सिसुब की है। राज्य में 24 हवाई पट्टियाँ हैं, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डे की संख्या 11 है। राज्य के 5 नगरों खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर से ही नियमित वायु उड़ाने हैं। राज्य में वायु सेवाएं इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और सहारा एयरवेज दे रही है। भोपाल इंदौर राज्य के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, राज्य का एकमात्र उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्माणाधीन है। जुलाई 2013 में केंद्र सरकार ने देश में कम खर्च वाले
51 हवाई अड्डों को विकसित करने का निर्णय लिया, जिसमें मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी, शहडोल शामिल हैं। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश की परिवहन से संबंधित तथ्य। ठीक है, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है।